देश यानी ऐसी विकट समस्या है कि एक देश का एक कारपोरेट हाउस, एक पूंजीपति, एक थैली सा अपने कर्मचारियों से पूरे देश की बजट को निकलवा लेता है। जो राष्ट्रीय सलाहकार है, NSA है, मंत्री है, वो जो पूंजीपति है वो जजों के साथ और कैसे अपॉइंटमेंट्स हो, सरकार का जो बजट है उसको निकाल लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस गंभीर घटना पे सरकार ने काम क्या किया? उसके कारकुन जो हैं, उसके कर्मचारियों को किसी तरह से चेहरा बचाने के लिए इस सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरी आपसे ये मामला मैंने इसलिए उठाया है कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, बाह्य सुरक्षा का मामला है, राजनीतिक सुरक्षा का मामला है, हमारी आर्थिक सुरक्षा का मामला है। इस सदन को और सदन को लोग 125 करोड़ लोग चुन के भेजते हैं। इस टेपिंग कांड से साफ है, इंडियन एक्सप्रेस में बड़े पैमाने पर ये पूरे देश के सामने आया और सरकार ने इसमें कदम क्या उठाए हैं? सिर्फ कदम ने उठाया है कि उसके जो कर्मचारी हैं, तो जो कर्मचारी किसके हैं, वो किसके ऊपर, किसके, किस कारपोरेट हाउस के लिए वो यहाँ काम कर रहे थे, किस थैलीसा के लिए काम कर रहे थे, यानी सीधा है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, कर्मचारियों को और प्यून को और इन तमाम लोगों को, चपरासियों को गिरफ्तार करके। आप इसको अपना चेहरा नहीं बचा सकते, और क्या बचा है इसमें, यानी सारी चीज जो है, काहे के लिए सदन चल रहा, काहे के लिए चुनाव हो रहा, काहे के लिए संविधान है, ये सारी चीजों को पार करके एक इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, किसी की भी चर्चा, किसी की भी बातचीत को आप टेप कर सकते हैं। और सरकार जो है इस मामले में किस तरह से यानी इस मामले को हसब करना चाहती है और किसी तरह से इस मामले में बोलने तक को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से इस पर बयान आना चाहिए था, वो कहीं कोई बयान नहीं आया, और सरकार जो है वो इस मामले में सो रही है, लगता है जानबूझकर इन लोगों से मिली हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये गंभीर मामला है, इस मामले को सरकार और वो जो जिस आदमी ने ये करवाया है, जिसके कर्मचारियों ने कराया है, उनको, उस आदमी को पहले सीधे पकड़ना चाहिए, जिससे आने वाले समय में ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है और तमाम तरह की जो पूंजीपतियों का हौसला बढ़ा हुआ है उसको तोड़ने का काम करना चाहिए। यही मेरी विनती है। GST में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसकी, उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया, एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती है।